subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. युवा पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम को लेकर जो आज भूमिपुत्रों ने आंदोलन पुकारा है उसको लेकर पुलिस की कड़ी तैयारियां हो गई हैं। हम हैं साइन पनवेल हाईवे पे वाशी के पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे पूरा जो फ्लाईओवर है उसे बैरिकेड कर दिया गया है। जो गाड़ियां हैं उन्हें नीचे से भेजा जा रहा है ताकि पुलिस उसे रेगुलेट कर सके। हैवी ट्रैफिक बैन कर दी गई है नवी मुंबई में आज, उसे ऑक्ट्रा जो पुराना ऑक्ट्रा नाका है वहीं पे रोक दिया जा रहा है, वहीं से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, और अगर कोई आगे आ गया तो टोल नाके से हटा दिया जा रहा है या फिर यहाँ पे और आगे। जैसा हम आपको विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि जो वाशिका जंक्शन है वहाँ पे कड़ा बंदोबस्त है ट्रैफिक पुलिस का, गाड़ियाँ रेगुलेट की जा रही है ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स नहीं हो। और इसी तरह से हम आपको बताते जाएंगे कि आगे भी डाइवर्जन्स हैं। ये जो फ्लाईओवर जैसा आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियों के लिए, एम्बुलेंसेस जैसा है उनके लिए यहाँ पे खोला जाएगा, बाकी सब गाड़ियाँ रेगुलेट करने के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे से ही जा रही है। ट्रैफिक पुलिस सभी को गाइड कर रही है क्योंकि आगे से उन्हें डाइवर्जन लेना पड़ेगा। बीच का जो एरिया है उरन फाटा से खारगर तक का, ये पूरी तरह से सील कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए, वहाँ पे नॉर्मल गाड़ियाँ भी नहीं दी जा रही है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है कि अगर आपको पनवेल साइड पूना साइड जाना है तो आपको अलग अलग रास्ते से जाएगा और ट्रैफिक पुलिस इसकी जानकारी सब गाड़ी वालों को दी जा रही है। हम आपको इसी तरह अपडेट्स देते रहेंगे नवी मुंबई से। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ मोहिद्दीन जेडी, आवाज़ टुडे। जिस तरह हम आपको ट्रैफिक के अपडेट्स दे रहे हैं कि सायन पनवेल हाईवे जैसे कि हमने देखा काफ़ी कम ट्रैफिक दिखाई दे रहा है क्योंकि काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी इन प्लेस हैं, लोगों को भी पता है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। और जैसा हमने देखा कि वाशी में वहीं पर रेगुलेट करना शुरू कर दिया गया था और उसके आगे हैवी ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं अलाउ की जा रही है। और ये हम अब हैं उरन फाटा पे, जहाँ पे जो ये फ्लाईओवर है सीबीडी बेलापुर जाने के लिए ये बंद कर दिया गया है, यहाँ पे भी पुलिस तैनात है और जो ट्रैफिक है उसे नीचे से भेजा जा रहा है और ये उरन फाटा से फिर राइट होके डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि सीबीडी कोई एंटर नहीं कर पाए, जहाँ पे दीबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो मांग लेकर घेराव का जो प्लान है भूमिपुत्रों का, इसलिए उस एरिया को कम्प्लीटली सील ऑफ किया गया है, पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है कि उरन फाटा से ये दूसरे रूट से पनवेल की तरफ जाएंगे। पूरी तरह से शांति है, पूरी तरह से ट्रैफिक जैसा आप देख सकते हैं कि रेगुलेट हो रहा है, किसी को अगर डाउट हो रहा है तो ट्रैफिक पर्सनल उन्हें समझा कर बताए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ मोहिद्दीन जेडी, नवी मुंबई, आवाज़ टुडे। सब्सक्राइब टू आवाज़ टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।